दोस्तों, आज की वीडियो में डायोड एप्लीकेशन पार्ट टू देखेंगे। इसमें हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि डायोड सीरीज कनेक्शन में रहेगा। इसमें जो फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है, जिसमें डिटरमाइन करना है, फाइंड करना है आईडी करंट, डायोड करंट, सेकंड डायोड मींस डायोड टू का वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज। हमें एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें दो डायोड लगे हैं, एक फॉरवर्ड वाइज और एक रिवर्स वाइज डायरेक्शन में, और यहाँ पे एक रेजिस्टर कनेक्ट है विद ग्राउंड। VCC 20 वोल्ट है। यहाँ पे करंट का डायरेक्शन देखते हैं, तो करंट का डायरेक्शन इसमें हम सर्किट को रीड्रॉ करते हैं और उसमें करंट का डायरेक्शन देखते हैं। यहाँ पे जो प्रैक्टिकली डायोड है, प्रैक्टिकल डायोड का कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो मैं रेजिस्टेंस का वैल्यू डालता हूँ। तो 5.6 किलो ओम जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ग्राउंड कनेक्ट है, राइट। फाइंड करना है वी नॉट, आउटपुट वोल्टेज ये रहेगा। इसमें एक ये जो डायोड लगा हुआ है, डायोड वन इस डायरेक्शन में है, डायोड टू इस डायरेक्शन में लगा हुआ है। तो प्लस बैटरी का टर्मिनल, माइनस टर्मिनल, 20 वोल्ट। इस सर्किट में करंट का फ्लो इस तरीके का होगा, मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा करंट फ्लो। सो इस कंडीशन में यहाँ पर ये वाला डायोड फॉरवर्ड वाइज होगा, फॉरवर्ड वाइज है, और ये डायोड रिवर्स रिवर्स वाइज काम करेगा। तो जब ये सिलिकॉन डायोड रिवर्स वाइज है, तो ये एज अ ओपन सर्किट बिहेव करेगा, मीन्स यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। मीन्स आईडी करंट इक्वल टू 0 होगा इधर। तो हम इसका नेक्स्ट सर्किट ड्रॉ करते हैं कि इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा। इसका इक्विवेलेंट सर्किट देखते हैं। तो जो डायोड वन है, डी वन कनेक्टेड विद बैटरीज पॉजिटिव टर्मिनल हियर, एंड दिस डायोड बिहेव लाइक अ ओपन सर्किट, और ये रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू 5.6 किलो ओम। प्लस माइनस फाइंड करना है यहाँ पर रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज वी आउट, वी आउट फाइंड करना है। तो यहाँ पर आई करंट जो फ्लो हो रहा है वो कितना है, 0 है, और ये सिलिकॉन डायोड है, यहाँ पर वोल्टेज है प्लस माइनस 20 वोल्ट। इस सर्किट में देख सकते हैं जो फ्लो करंट होगा वो है आईडी इज इक्वल टू 0। यहाँ से अभी कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर ओपन सर्किट है, तो आईडी इज इक्वल टू 0। बट हम फाइंड करेंगे यहाँ पे वीडी टू की वैल्यू फाइंड करेंगे कि वीडी टू वोल्टेज क्या होगा और वी नॉट वोल्टेज क्या होगा। फ्रंट सर्किट को रीड्रॉ करेंगे कि ये जो डायोड है, डायोड वन शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा, और डायोड टू जो है वो ओपन सर्किट बिहेव करेगा। यहाँ पे फाइंड करना है हमको 6.5 किलो ओम के एक्रोस वी नॉट, आउटपुट वोल्टेज देखना है। बैटरी वोल्टेज है 20 वोल्ट, जो VD1 इज इक्वल टू 0 वोल्ट। 0 वोल्ट मीन्स शॉर्ट सर्किट। प्लस माइनस VD2 फाइंड करना है, VD2 फाइंड करना है। यहाँ से फ्लो ऑफ करंट I इज इक्वल टू 0 एम्पियर। यहाँ पर वी नॉट की वैल्यू देख लेते हैं। वी नॉट इज इक्वल टू दिस वी नॉट इज इक्वल टू IR इनटू R। यहाँ पर IR की वैल्यू
ऑलरेडी जीरो है, तो वी नॉट इज इक्वल टू आई आर जीरो, मीन्स आउटपुट वोल्टेज भी 0 वोल्ट आएगा। तो आउटपुट वोल्टेज हमें 0 वोल्ट मिल गया, आईडी करंट जो है वो भी हमको 0 वोल्ट मिल, 0 एम्पियर मिल गया। अब फाइंड करते हैं VD2, सर्किट में VD2 क्या होगा। VD2 सर्किट में VD2 इज इक्वल टू वी ओपन, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट वोल्टेज, VD2 इज इक्वल टू ओपन सर्किट वोल्टेज। ओपन सर्किट वोल्टेज मीन्स यहां पे इस पॉइंट पे 20 वोल्ट से कनेक्ट है प्लस, ये माइनस, तो यहां पर ओपन सर्किट वोल्टेज आएगा 20 वोल्ट। तो यहां पे हमें VD2 फाइंड मिल गया है, VD2 इज इक्वल टू हो गया 20 वोल्ट। एग्जाम्पल 5 में सर्किट जो है उसमें हमको डिटरमाइन करना है करंट आई, वोल्टेज V1, वोल्टेज V2 एंड आउटपुट वोल्टेज। यहां पर डायोड सीरीज में कनेक्ट है जो कि सिलिकॉन डायोड है। यहां पर हमने सर्किट को रीड्रॉ किया है, जो E1 था 10 वोल्ट, ये डायोड रेजिस्टर के पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो 10 वोल्ट रेजिस्टर के पॉजिटिव से कनेक्ट है। डायोड सेम रखा, यहां पर रेजिस्टर R2 है, ये यहां पर हमको ओवरऑल भी आउटपुट वोल्टेज फाइंड करना है, दिस टर्मिनल टू दिस टर्मिनल, यहां से यहां तक का आउटपुट वोल्टेज भी आउटपुट वोल्टेज रहेगा। रजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज V2 है, यहाँ पर 5 वोल्ट जो कि माइनस में 5 वोल्ट कनेक्ट था, माइनस टर्मिनल यहाँ, प्लस टर्मिनल बैटरी का यहाँ पर कनेक्ट है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इस टर्मिनल को एक्सटेंड कर देते हैं, तो वी आउटपुट वोल्टेज हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो अगर ऐसा देखा जाए तो V2, ये वोल्टेज V2 माइनस E2, भी आउटपुट वोल्टेज होगा V2 माइनस E2। यहां पर करंट थ्रू द सर्किट, जो करंट डायरेक्शन है, ये करंट थ्रू द सर्किट देखेंगे करंट कितना है। तो आई E1 प्लस E2, E1 प्लस दिस E2 माइनस BD डायोड वोल्टेज इज इक्वल टू दिस R प्लस सीरीज में है तो दिस R, तो I इंटू R1 प्लस R2, ये इक्वेशन रहेगा। तो E1 की वैल्यू यहां पर, इसको हम I फाइंड करना है तो सिंपल लिख देते हैं, I इज इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस BD अपॉन R1 प्लस R2। यहां पर E1 10 वोल्ट है प्लस E2 5 वोल्ट है और BD यहां पर 0.7 वोल्ट, क्योंकि यहां पर सिलिकॉन डायोड है। R1 4.7 किलो ओम प्लस R2 है 2.2 किलो ओम। तो I की वैल्यू फाइंड करेंगे, यहां पर 10 प्लस 5 15, तो 14.3 वोल्ट ये हो गया। इसके बाद 6.9 किलो ओम का रेजिस्टेंस हो गया। तो टोटल करंट रहेगा यहां पर 2.07 मिली एम्पियर। तो यहां पे करंट की वैल्यू फाइंड कर ली हमने 2.07 मिली एम्पियर। यहां पर आई की वैल्यू फाइंड करनी थी जो हमारी आ गई है 2.07 मिली एम्पियर। अब हमें V1 फाइंड करना है। V1 फाइंड करने के लिए V1 इज इक्वल टू आई इंटू आर वन, आई इंटू आर वन, तो आई की वैल्यू है 2.07 मिली एम्पियर इंटू 4.7 किलो ओम। तो मिली और किलो कैंसिल हो जाएगा,
तो टोटल वैल्यू आएगी 9.73 वोल्ट। तो V1 वैल्यू 9.73 वोल्ट आ गई। उसी प्रकार यहां पर V2 वोल्टेज देखेंगे, V2 वोल्टेज होगा R2 इंटू I, तो I इंटू R2 इज इक्वल टू I कितना है 2.07 मिली एम्पियर इंटू 2.2 किलो ओम, यहाँ पर R2 है, मिली और किलो एम्पियर, किलो मिली और किलो ओम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा कैलकुलेट करने पे 4.55 वोल्ट, 4.55 वोल्ट, राइट। अब हमें वी आउट फाइंड करना है। वी आउट हमने लिखा था यहाँ पे वी नॉट इज इक्वल टू V2 माइनस E2, तो V2 हमने फाइंड किया, V2 है 4.55 वोल्ट माइनस E2 हमको सर्किट में दिया है 5 वोल्ट, तो टोटल आएगा हमारा वी नॉट आएगा माइनस 0.45 वोल्ट। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।